और कांकेर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी जीतू चरण राम ने खलारी प्रखंड में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान रफ्तार मीडिया से उन्होंने खास बातचीत की, सुनी। भाजपा कांकेर विधानसभा प्रत्याशी जीतू चरण राम जी है और इनसे जानते हैं कि इस बार भाजपा आपको दोबारा मौका दिया है, ऐसे में आप यहाँ तक क्या सोच रहे हैं कि इस बार कैसा रहेगा चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस आशा विश्वास के साथ में मुझे पुनः प्रत्याशी दूसरी बार बनाने के काम किए हैं, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और क्षेत्र के तमाम जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अथक मेहनत से अपने चुनाव में हमेशा पिछले बार भी हमें चुनाव जिताई है और 2019 से लेकर के 24 तक हमने संगठन के लिए लगातार निरंतर काम करता रहा है। हमारे पास बहुत सारे चुनौतियां भी हैं लेकिन इन चुनौतियों को हम सफलता के रूप में हम लोग परिणत करेंगे और कांकेर विधानसभा से कमल खिला करके भाजपा को जिताएंगे, माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में? देखिए, यह कांकेर विधानसभा क्षेत्र शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र है और दोनों क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग है, लेकिन ग्रामीण की विशेष बात करेंगे तो यहाँ कई एक तरह की मूलभूत समस्याएं हैं, जो सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा एंड स्वास्थ्य जैसी चीजें हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है, इन सब चीजों को हम फोकस करेंगे। पिछले 2014 से लेकर 19 में जो हमने काम किया और उसके बाद 19 से लेकर के 24 तक जिसको हमारे पहले अभी जो विधायक वर्तमान उन्होंने काम किया, इन सारे कार्यों को लेकर के विकास कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे।